कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का कहर लगातार जारी है। हालात ऐसे बन गए हैं कि अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों के लिए जगह कम पड़ रही है। मरीजों को बेड और ऑक्सीजन के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। ऐसे में सांसद और विधायक अपनी निधि से कोरोना मरीजों के लिए बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं करने के लिए राशि स्वीकृत कर रहे हैं। अब भीकनगांव से कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी ने कोविड महामारी से लड़ने के लिए 46,60,000 की राशि विधायक निधि से स्वीकृत की। इस राशि से 2 सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें खरीदी जाएंगी। दरअसल विधायक झूमा सोलंकी कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने घोषणा की, उनके साथ एसडीएम, नायब तहसीलदार और सीएमओ मौजूद रहे। जल्द ही कोविड सेंटर का शुरुआत हम लोग करने वाले हैं और इसीलिए निरीक्षण किया कि कोई कमी बेसी न रहे। हमारे भीकनगांव तहसील के जितने भी कोरोना संक्रमित मरीज हैं तो उन्हें खरगोन जाने की जरूरत नहीं पड़े, ऐसी व्यवस्थाएं जुटा पाए, इसीलिए निरीक्षण किया। एसडीएम साहब और सभी डीएम और सब उपस्थित थे, जिसमें ये देखा गया कि सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, थोड़ी बहुत कमी है उसको हम लोग दूर करेंगे। जल्द